फोटो खिंचाएगा तो खींच रहा है। राहुल नहा रहा है, भीमताल ब्लॉक में है स्थित है ये जगह, छोटा कैलाश। देखो भाई ये देखो कितना लंबा हो गया और गिर गया नीचे। हाय गुड मॉर्निंग गाइस, हो गया ना। हाय गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। और तो आज का ब्लॉग जो है वो थोड़ा फ्रेंड लोगों के साथ रहेगा, क्योंकि आज निक नहीं आ रही है, आज आ रहे हैं मेरे फ्रेंड लोग। और हम सब लोगों ने प्लान किया कि आज हम लोग जाएंगे छोटा कैलाश। छोटा कैलाश जो है कि यहाँ से अप्रॉक्स 50 किलोमीटर दूर है हमारे घर से, और काफ़ी पहाड़ी पे है वो, और शिव जी का मंदिर है, एक बहुत पुराना मंदिर है। और काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा हमें पैदल चल के जाना है, और एकदम खड़ी चढ़ाई है वहाँ पे। अगर आप देखोगे ना आपको मज़ा आएगा, जैसे आपने उस दिन हमारे पहाड़ वाला ब्लॉग अगर देखा होगा तो उसमें जैसे चढ़ाई थी उससे भी ज़्यादा है। तो अभी मोहित और राहुल मिलने वाले हैं हमको यहाँ पे, और तब तक आप ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिए। और देखिए अभी मोहित और राहुल आते हैं, ये देखो कैसे बैठे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो कैसे बैठे हैं ये लोग इंतजार में हमारे, क्योंकि हमने इनको 9 बजे का टाइम दिया था और हमें यहाँ पे 10 बज चुके हैं। आते आते तो काफी गुस्से में हैं ये लोग, ये देखो काफी गुस्से में हैं दोनों लोग। और गाली नहीं देनी है, गाली बीत कर देनी है, तो खाओगे तो मानोगे नहीं। तो गए यार, अभी देखो मोहित और राहुल आ चुके हैं, काफी गुस्से में हैं दोनों। अभी आपको जो बीच में बीप बीप का साउंड आया उसमें मोहित ने गाली दी थी। अगर जो लोग मोहित को भक्त समझते हैं वो लोग ब्लॉग देख रहे हैं तो समझ जाओ कि ये भी गाली देता है। कोई जो मोहित को पहचानते हैं, हाँ मोहित को पहचानते हैं, और जो मोहित को पहचानते हैं लेकिन अच्छे से नहीं पहचानते हैं। Nice. तो आज आपको हम काफी बातें ऐसे मतलब रिवील भी करेंगे कि क्या क्या है सबके जीवन में और क्या क्या चल रहा है। और बाकी बात करते हैं हम छोटा कैलाश की, तो अभी हम हल्द्वानी से होते हुए छोटा कैलाश की तरफ जाएंगे, जो कि वहाँ पे एक गांव है, शायद पिरो कुछ गांव है, कुछ गांव का नाम है। अभी वहाँ पे जाके हम लोग कंफर्म करेंगे कि क्या है, और उस गांव से वहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करेंगे, उसके बाद 3-4 किलोमीटर पैदल जाना है। और वहाँ पे जो है शिव जी का मंदिर है। हाँ शिव जी के बारे में बता रहा था कि वहाँ पे मतलब ऐसे मान्यता है कि जो सतयुग में है वहाँ पे शिव जी आए हुए थे, और वहाँ पे उन्होंने कुछ दिन ध्यान किया था, और इसीलिए जो है वहाँ पे शिव जी का मंदिर बनाया गया था। और वहाँ पे एक पार्वती कुंड भी है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। और काफ़ी ऊँचाई पर है वो मंदिर, तो देखिए आगे क्या होता है और कैसे कैसे हम पहुँचते हैं और कितनी हमें थकान लगती है। चलिए गाइस, तब तक ब्लॉग में हमारे साथ आगे बने रहिए। अभी तो चल रहा है उसका निर्माण, नहीं देख रहा है इधर वाला, कर रहा है साइड से। हां हां, चल चल के गिर गया भाई, वो ही चाहता ज्ञान मध्यम वही भाई, चलो सबको जाने दे रहा हूं। सोनाली बात किया गया, हम नाली चल गए, हम गए अब, ये अब नीचे हो गया, फिर क्या करेंगे? तो देखना वहां मेटर रस्ती करना है लोडे, वहीं जाएंगे हम। शंकरापुर तो गए, जब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे छोटा कैलाश द्वार जो है इस यहाँ पे पहुंच चुके, और अभी जाम खुला तो हम लोग अभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से भी थोड़ा आगे है और थोड़ा रास्ता ही खराब है, और अभी हम अमृतपुर एक जगह है यहाँ पे, ये भी काफी अच्छी जगह है अमृतपुर, यहाँ पे भी आप लोग आ सकते हो अपनी फैमिली को लेके कभी, अगर आपका ऐसे पिकनिक करने का मूड हो, पिकनिक मनाने का मूड हो, तो आप लोग इधर पे आ सकते हो अमृतपुर में। और अभी हम छोटा कैलाश के लिए निकल रहे हैं, आप ब्लॉग में हमारे साथ आगे बने रहिए। अभी हम आगे गाड़ी देखते हैं, गांव वैसे मैंने आपको बताया था आज मॉर्निंग में, एक गांव आगे, और वहां पे हम गाड़ी खड़ी करेंगे, उसके बाद वहां से पैदल चलेंगे। और पीछे वाले जो है हमारे काफी बोर हो गए हैं, क्योंकि जाम लगा था तो इनको कुछ देखने को नहीं मिली। जो हमारे मोहित भाई है वैसे दिखते तो संत टाइप है, लेकिन ये संत वंत है नहीं। जो लोग मोहित भाई को जानते हैं तो वो लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि मोहित भाई के बारे में वो लोग क्या जानते हैं। एक एक सीक्रेट सभी मोहित भाई के नीचे रिवील करेंगे कमेंट में, जो जो लोग मोहित भाई को जानते हैं। और अगले ब्लॉग में
हम उन सारे कमेंटों को पढ़ेंगे, फिर मोहित भाई के जितने मोहित भाई के लिए जितने भी कमेंट आएंगे हम उन सारे कमेंट को अगले ब्लॉग में उनका रिप्लाई देंगे कि वो सही हैं या गलत है, वो कोई मिथ तो नहीं है। तो इसलिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोहित भाई के बारे में जरूर बताइएगा। चलो भाई तो गाइस यार देखो अभी यहाँ पे बहुत ही औसम जगह मिल गई हमको, एक इतनी प्यारी सी नदी है यहाँ पे। एक्चुअली ये भी अमृतपुर का एक पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे भी आप आके एंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे नहा सकते हो बढ़िया तरीके से एकदम। गर्मी के टाइम पे भी नदी ऐसी रहती है और यहाँ पे बढ़िया तरीके से आके नहा सकते हो, अपने फ्रेंड लोगों के साथ एंजॉय कर सकते हो। और अभी जो अमृतपुर का जो मेन हिस्सा है वो इससे थोड़ा और आगे जाके है, जो कि शायद हम आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। अभी यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पे मैं उतर के थोड़ा सूट कर लेना चाहिए। और यहाँ पे हमारे मोहित भाई और जो राहुल भाई हैं मज़े ले रहे हैं एकदम। तो यहाँ पे जो हवा है ना इतनी ठंडी है, मतलब मज़ा आ रहा है यहाँ पे खड़े होने में, मन कर रहा है कि यहीं पे खड़े हो गए रहें, लेकिन हमें आगे भी बढ़ना है और आगे जाके भी हमें आपको मंदिर के दर्शन करवाने, तो इसलिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। आप ब्लॉग में हमारे साथ तब तक आगे बने रहिए, आगे देखते हैं अभी हम और क्या क्या होता है और क्या क्या मिलता है। तो तब तक आप ब्लॉग में हमारे साथ आगे बने रहिए, आइए। तो गाइस यार अभी हम थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे कि जन्नत की, तो यार हमें देखो अभी यहाँ पे जन्नत, देखो यार हम आपको जन्नत दिखाएंगे आज। उत्तराखंड जो है भाई जन्नत ही है, आप देखो कितना प्यारा झरना, आप ऊपर देखो भाई कैसे पानी ऊपर से आ रहा है, अभी तक नहीं किया था। ओके गाइस तो अभी आपने देखा होगा कितना प्यारा झरना था वहाँ पे, और झरने को देख के हम लोगों का मन किया वहाँ पे फोटो शूट करने का। हमारे दो राहुल भाई हैं वो काफ़ी मतलब फोटो एडिक्टिव हैं, उनको जैसे ऐसे कुछ मतलब नेचुरल ऐसे ब्यूटी दिखती है तो उनको मन करता है फोटो वोटो खिंचाने का। तो हमने बहुत सारी फोटो वहाँ पे खिंचाई हैं, राहुल भाई ने भी और हम लोगों ने भी। अगर आपको फोटोज देखनी हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख लेना कि कितना अच्छा झरना था और कितनी अच्छी वहाँ पे हमने एक दो रील भी बनाई है गाइस, पता है वहाँ पे, और रील बनाई है और फोटोज खींची, तो लगभग हाफ एन आवर हमने वहाँ पे ऐसे मतलब बिताया, तो काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे। हमारे थोड़ा जो शूज हैं थोड़ा गीले हो चुके हैं और अभी हम लोग ऐसे ही थोड़ा शूज सुखा लेते हैं गाड़ी में, उसके बाद जाके हम आगे को चलते भी रहते हैं। और जो कि आप फिर देख पाएंगे अभी मंदिर तो हम पहुंचे ही नहीं है, मंदिर अभी थोड़ा और दूर है तो रास्ता थोड़ा ऐसे मतलब थोड़ा ख़राब है ये, इसीलिए हम थोड़ा धीरे धीरे जा रहे हैं और अभी मंदिर पहुंचते हैं तो फिर आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे और रास्ते में दिखाते हैं अभी और क्या क्या मिलता है हमारा। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे जो यहाँ पे मतलब लास्ट पिंद्रो गाँव है, जो ये मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था जो पिंद्रो गाँव है यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, और जो है यहीं पे लास्ट स्टॉप है गाड़ी का, इससे आगे गाड़ी जाएगी नहीं, तो हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है और यहाँ पे ये जो है लास्ट मतलब यहाँ की शॉप है, यहाँ पे हमने चाय वाय पी ली अभी बढ़िया तरीके से, और पानी वानी देखो दोनों बोतल में भर लिया है क्योंकि आगे कम से कम एक घंटा हमें पैदल चलना है, तो हमने इसलिए पानी वानी ले लिया है और एकदम हम लोग रेडी हैं जाने के लिए और अब चलते हैं आगे को। और गाइस ये देखिए हमने घास से आपको परिचय पहले भी कराया था, आपको याद हो तो इसकी बिच्छू घास यही है वो, ठीक है, इससे ऑलरेडी हमने आपको बता दिया इसके बारे में पहले ब्लॉग में।
आई थिंक सेकंड ब्लॉग में बताया हुआ है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो बहुत ही खतरनाक है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा उस बात को हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये मामूली सी दिखने वाली घास, इसको बोलते हैं बिच्छू घास। फिलहाल चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे कितना दुर्गम रास्ता है। लो भाई, चलना काफी पैदल, तो इसलिए हम अपने कुछ रख के लाए खाने के लिए, पास्ता और बिस्कुट। हम खाएंगे इसको आराम से अभी चलते चलते। एक बार हम अब जोर से यहाँ पे शिव शंकर का नारा लगाएंगे जिससे हमें पावर आएगी और हम जाएंगे ऊपर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, कंबम बोले। मोहित पे जान आ चुकी है, भक्तों में एकदम जोश भरा पड़ा है। आप देख सकते हैं मोहित भाई में कितना जोश है। गाइस देखो यार, यहाँ पे कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। मंदिर तक पहुंचना तन का विषय है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचना मन का विषय है। ठीक है, हम तन और मन दोनों से जा रहे हैं, इसलिए हम ईश्वर तक पहुंचेंगे जरूर आज। आइए, तो गाइस यार अभी हालत ख़राब हो चुकी है चलते चलते। अभी हमने आधा सफ़र भी तय नहीं किया है और आप देखो पसीना पसीना हो गए हम लोग। और यहाँ पे लेकिन गाइस एक चीज़ देखो, कितनी अच्छी मिर्ची खेती हुई है दोनों साइड पे। जहाँ हम चल रहे हैं इसके दोनों साइड में मिर्ची है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिर्ची खेती हो रही है। आप देखो बहुत बड़े पैमाने में हो रही है मिर्ची। इधर देखिए, ये अदरक लगाया हुआ है और इसके बाद यहाँ पे मिर्ची है, फिर से देख सकते हैं आप। एक आध पेड़ दिखा, एक आध मिर्ची दिखा दे, टमाटर भी है, टमाटर की खेती भी है। देखो भाई बहुत अच्छी मिर्ची लगी है इधर, काफी यहाँ पे सब्जियां हुई हैं। आगे राहुल भाई बता रहे हैं कि आगे टमाटर भी है करके, अभी आगे देखिए राहुल भाई बता रहे हैं कि टमाटर भी है, तो आगे आपको दिखाते हैं टमाटर। मतलब सब्जियों की खेती यहाँ पे अच्छी होती है। ये देखिए गाइस यहाँ पे कितने अच्छे टमाटर लगे हुए हैं यार, आप लोग देख सकते हैं अभी पके नहीं हुए हैं, कच्चे हैं, बट आप लोग अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छी टमाटर की खेती हो रखी है। पूरा काफी बड़ा एरिया है ये अभी। और गाइस यार आप आगे देखते रहिए, पता नहीं हमें मतलब क्या क्या देखने को मिलेगा आगे, काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलने वाली है, तो आप ब्लॉग में हमारे साथ आगे बने रहिए। और ये देखिए, ये ककड़ी, पहाड़ी ककड़ी, उसका ये बेल है, इसमें ककड़ी लगती है। टमाटर देखिए, भयंकर टमाटर लगेंगे। और यहाँ से आप फिर से टमाटर देख सकते हैं, देखिए कितनी टमाटर है यहाँ पे। आज थारा भाई इतना टमाटर दिखाएगा कि कैमरामैन भी सोचेगा, किसी ने सोची ना होगी। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं छोटा कैलाश के मेन गेट पे, और यहाँ से अभी और आगे काफी है, मतलब 2 किलोमीटर के आसपास और है यहाँ से। और ये जो है मेन चढ़ाई होगी, एक्चुअली यहाँ पे मेन गेट है इसका। देखिए आप लिखा हुआ है, देव के देव महादेव के आदि छोटा कैलाश धाम पधारने पर हार्दिक अभिनंदन। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और उधर पे फिर से एक अच्छा सा कुछ लिखा हुआ है, वो भी हम आपको दिखा देंगे अभी बोर्ड पे, क्योंकि जितने आप अच्छी बातें पढ़ोगे उतना आप अच्छा सीखोगे, ज्यादा दिनों के लिए नहीं लेकिन 10 सेकंड के लिए तो आप अच्छे बन जाओगे।